एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये आपका रहेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझेंगे और अच्छे से इसको जो है हम देख लेंगे कि कैसे क्या इसमें होता है, ठीक है। लास्ट टाइम में हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा था और पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझेंगे, ठीक। तो देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं। पहली बात तो जैसे हमने लास्ट टाइम में देखा था कि जब हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया था तो हमने आपको बताया कि भाई पी टाइप अर्धचालक के दो गुटके ले लेते हैं और उसमें एक महीन तरास जो है एन टाइप अर्धचालक के गुटके को बीच में दबा देते हैं और दोनों तरफ जो है पी टाइप के गुटके रहते हैं और बीच में क्या रहता है एन टाइप का गुटका, तो आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर हो जाता है। अब यहाँ पर सेम उसका उल्टा करना है कि हमने जब एन को बीच में लिया था, पी को दोनों साइड में लिया था पहले, अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि अब की बार हम जो है एन को दोनों साइड में ले रहे हैं और पी को क्या कर रहे हैं बीच में ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर दोनों साइड में लेंगे, दो गुटके लेंगे और उनके बीच में एक महीन तरास स्लाइस की जो है हम क्या फंसा देंगे, पी टाइप का गुटका फंसा देंगे, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जब बन जाता है तो उसके बाद में फिर से सारी चीज़ें वही होती हैं। इसमें आप देखिए एक उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, यानी बीच की जो महीन तरास होती है जो आपका पी टाइप होता है, पी टाइप को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और उसके बाद में जो एन टाइप होता है बाईं तरफ एन टाइप होता है उसको हम उत्सर्जक कहते हैं और दाईं तरफ के एन टाइप के को जो है हम संग्राहक कहते हैं। अंग्रेजी में अगर बात करें तो यहाँ पे इसको हम एमिटर बोलते हैं, बेस होता है और ये कलेक्टर है, सिंबल ई बी सी इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसमें जो है ये आपका उत्सर्जक जो होता है ये आपका अग्रदिशिक, ये देखिए पहली जो संधि है आपका एनपी संधि है ना, यानी जो बैटरी बीईबी है ये बैटरी हमने जोड़ा हुआ है, बीई मतलब बेस और एमिटर के बीच में जो हम बैटरी लगाएंगे वो हमारा जो है बीईबी कहलाएगा और जो बेस और कलेक्टर के बीच में बैटरी लगाएंगे वो हमारा बीबीसी कहलाएगा, ठीक है। तो जो बैटरी बीईबी है ये हमारा अग्रदिशिक होगा, ठीक है, अग्रदिशिक होगा, और ये बैटरी बीबीसी जो है हम पश्चदिशिक जोड़ेंगे इसमें, ठीक। अब उसके बाद में हमें यहां पर क्या ध्यान देना है, जैसे देखिए अब ये हमने अगर यहां निगेटिव टर्मिनल है और एन टाइप से हमने जोड़ा है, निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ा है और इधर जो है इधर के हमने जो हमारा एन टाइप है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, तो इस तरह से देखने में भी आपको ये पता चल जाएगा कि अग्रदिशिक है कि पश्चदिशिक है, ठीक। तो जब निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो आपका अग्रदिशिक होगा, यानी पी, या आप कहिए कि पी टाइप को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो भी आपका अग्रदिशिक होगा ना। तो इस तरह से हमारा अगर हम देखें तो एन पी संधि हमारा जो है क्या है, अग्रदिशिक है, और पी एन संधि हमारा पश्चदिशिक है। इसमें दो संधियाँ हैं ना, मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, ये वाला आपका है एन पी संधि है और ये इधर वाला जो है आपका पी एन संधि है, ठीक। अब यहाँ पर होगा क्या, चूंकि ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी अधिक होगी, और ये जो है चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उस स्थिति में जब, अब देखिए यहाँ पर जब निगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, बिकॉज निगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है और ये सारे एन टाइप मटेरियल हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो आपका यहाँ पर होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिसको हम बोलते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी होंगे जो आपके होल या क्वार्टर होंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, पी टाइप में आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो आपका होल होगा, एन टाइप ये जो संग्राहक है इसमें भी निगेटिव चार्ज ही आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज जो है यानी आपका कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा इसमें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, ठीक है, तो यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट में ही डिस्कस कर लिया है और आपको थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए कि बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं आपके होल या क्वार्टर होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें जब हैं आपको और समझ में आई हुई हैं तब आपको अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे
ये एमिटर को हमने जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, यानी उत्सर्जक को नेगेटिव टर्मिनल से जब जोड़ा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों को इधर से समझिए धकेलेगा या पुश करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को ये धकेलेगा या पुश करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आधार की तरफ चलना शुरू कर देंगे, और इसमें ज़्यादातर जो है आपके आधार को पार भी कर जाएंगे। बिकॉज ये मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो आधार है वो स्लाइस है, स्लाइस का मतलब एक महीन तरास, एक पतली सी लेयर होती है जिससे इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से चलते हैं तो वो सारे के सारे ज़्यादातर इजिली जो है पास करके संग्राहक यानी कलेक्टर पर इस टर्मिनल तक पहुँचते हैं, समझ रहे हो ना। बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं, संयोग भी कर लेते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर थोड़ा सा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आधार पर क्या करते हैं, कोटर के साथ संयोग कर लेते हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर संयोग करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पे मतलब संयोग कर गए, और कुछ जो आपके आवेश वाहक होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक, यहाँ पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं इसमें यन टाइप में यानी उत्सर्जक में, और उसके बाद में पी टाइप में तो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपको पता है, इसमें होल ही होंगे। तो सारे होल क्या करते हैं, चूंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अधिक है तो सारे लोग इधर चलना शुरू कर देते हैं, ठीक। और सारे लोग जब इधर पहुँचते हैं तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ करके यहाँ पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसे संयोग कर लेते हैं। मतलब यहाँ से जैसे ही आप ये पहुँचता है कोटर, कोई मान लो एक कोटर यहाँ पर पहुँच गया, एक कोटर जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तुरंत क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा निगेटिव टर्मिनल से, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऐसे मूव करता हुआ आएगा, और इस यहाँ पे जो कोटर पहुँचा रहेगा उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और जैसे ही उदासीन करेगा उसी क्षण क्या होगा यहाँ से एक बंद, मतलब कहाँ से, पहले पिछली बार जब हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा था तो हमने आपको बताया था कि उत्सर्जक में से जो है एक बंद ब्रेक करता है ना, यहाँ पे उत्सर्जक में बंद नहीं ब्रेक करेगा, यहाँ आधार में ब्रेक जो है बंद आपका टूटेगा, यहाँ पे आधार में क्या होगा, बंद जो है टूटेगा, और यहीं से मतलब आधार जहाँ संधि है यहाँ से एक बांड ब्रेक कर जाएगा। और जब आपका एक बांड ब्रेक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, एक कोटर मिलेगा प्लस एक आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन तो आपका क्या करेगा, वो सीधे जाएगा, है ना, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे होकर के इसमें आ जाएगा, इधर से होकर के ऐसे आएगा, ऐसे इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, क्योंकि करंट देखो इधर फ्लो हो रही है ना, करंट इधर फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो इस तरह से एक, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा करके इसको एक कोटर को संयोग करेगा, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे आते आ करके ये पॉजिटिव टर्मिनल पर आपके यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। तो अब आप सोचिए, देखिए इलेक्ट्रॉन की जो गति है, देखिए ऐसे ऐसे जा करके, है ना, यहाँ पर ये संयोग किया और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर सर्किट में करंट ऐसे ऐसे फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति को देखें तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर संयोग कर रहे हैं और उसके बाद में इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका जो है पूरे सर्किट में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इधर से देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ऐसे समझिए, ऐसे दूसरी तरह से अगर आपको समझना तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पूरा एकदम मूव कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इधर से ऐसे इधर चले आते हैं, और ये आप इस तरह का इलेक्ट्रॉन के मूव का, अगर इलेक्ट्रॉन की गति को हम देखें तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बट करंट कैसी हो फ्लो हो रही है आपका, इस डायरेक्शन में। और आप ये भी जानते हो कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। तो इस तरह से इसमें सर्किट कंप्लीट होता है, और अग्रदिशिक में आपका ये वाइसिंग होता है बैटरी का, और उसके बाद में करंट आपका यहाँ पर हल्की करंट फ्लो होती है। फिर आप इस तरफ आ जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि जो बहुत कम, यानी आप कह सकते हो नियर अबाउट 2-3% जो इसमें संयोग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन कोटर, उनके कारण एक क्षीण धारा इसमें बहती है, ठीक है ना, इस वाले सर्किट में जो अग्र अभिनत लगाया गया है।
और इसके अलावा जो मेजॉरिटी जो करंट होती है, जो ज़्यादा धारा बहती है, वो आपका इसके कारण होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो संधि को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। और आप इधर से ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पे जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन पहुँचता है, तुरंत ही क्या हो जाता है, यहाँ पे जो उत्सर्जक होता है ना, आधार जो होता है, आधार से एक बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तुरंत एक बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ऐसे कहिए कि इलेक्ट्रॉन ये इधर से ऐसे होकर के ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आपके आकर के जमा होता रहता है, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका ये इलेक्ट्रॉन आकर के जमा होता रहता है, ठीक। अब इस तरह से जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन जैसे ही कलेक्टर पर पहुँचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे कलेक्टर पर पहुँचेगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे आपका आकर के न्यूट्रल होता रहेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन आकर के जैसे ही इस टर्मिनल पर पहुँचेंगे न्यूट्रल होते रहेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन इस तार में से होकर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, जो बैटरी BBC है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर के ऐसे ऐसे यहाँ पे जमा होते रहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल पर जमा होंगे, निगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे। और वैसे अगर समझाना है, फाइनली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरा जिधर से आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें प्रवेश करते हैं, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पूरे सर्किट में दौड़ते हुए फिर से पॉजिटिव में आते हैं, फिर ऐसे ऐसे ये पूरा अपना अंदर जो है क्या करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो इस तरह से यहाँ पे एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जो है एक करंट इसमें फ्लो करने लगती है। अब देखिए, अगर हम एक और चीज़ और बात करें कि जैसे जो PNP ट्रांजिस्टर हमने देखा था, तो PNP ट्रांजिस्टर में हमने देखा था होल और जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के कारण हमें सर्किट में करंट प्राप्त हो रही थी। अब और यहाँ पे अगर हम देखें NPN ट्रांजिस्टर में, NPN ट्रांजिस्टर में तो हमारा चाहे सर्किट के अंदर चाहे सर्किट के बाहर, दोनों ही जगहों पर इलेक्ट्रॉन के कारण ही केवल करंट आपका क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा ये चीज़ देख लेते हैं, जो PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर दोनों में सब हम अच्छा किसको मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के लिए, तो NPN ट्रांजिस्टर ज़्यादा सही होता है, बिकॉज यहाँ पर जो करंट होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है अपेक्षाकृत होल की, है ना, गतिशीलता जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करते हैं, ज़्यादा तत्काल से काम करते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है तो ये आसानी से बहुत तेज़ी से वर्क करना शुरू करते हैं अपेक्षाकृत होल या क्वार्टर के। होल या क्वार्टर उतना क्रियाशील नहीं होते जितना इलेक्ट्रॉन, जैसे इनको मतलब बैटरी से कनेक्ट किया तुरंत ये वर्क करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम प्रायोरिटी देते हैं NPN ट्रांजिस्टर को, ना कि PNP ट्रांजिस्टर को। हालांकि PNP ट्रांजिस्टर का भी अपना अलग उपयोग होता है, जहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है वहाँ पर हम इसको नहीं कर पाते हैं, तो ये भी अपना अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं NPN ट्रांजिस्टर को। बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें तो हम देख रहे हैं IE करंट जो है, मतलब सर्किट से या आपका जो ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से IE करंट निकल रहा है, IE करंट निकल रहा है, और उसके बाद में आप देखिए कलेक्टर करंट यहाँ पर अंदर प्रवेश कर रहा है और बेस करंट भी अंदर प्रवेश कर रहा है। यानी निकलने का केवल एक रास्ता है और जाने के दो रास्ते हैं, है ना, निकलने का केवल एक रास्ता है, जाने के दो रास्ते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि IE से निकलेगा और जा किस किस से रहा है, IB से जा रहा है और प्लस IC से जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है उत्सर्जक धारा यहाँ पे जो बह रही है ये उत्सर्जक धारा है, इधर से ये इसमें एंट्री मार रहा है, ये आपका बेस धारा है यानी आधार धारा है, और यहाँ पे जो होता है वो संग्राहक धारा होता है। मतलब सबका अलग अलग नाम होता है, उत्सर्जक धारा, आधार धारा, संग्राहक धारा, ऐसे बोलते हैं, ठीक। तो इन तीनों में हमेशा संबंध क्या होता है, चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो, जब ये अंदर जाएगा तो वो दोनों बाहर निकलेंगे, और मतलब PNP ट्रांजिस्टर में देखा था हमने, और जब ये बाहर निकलता तो ये दोनों अंदर जाते हैं। तो हमेशा इक्वेशन जो प्राप्त होता है ना वो दोनों में क्या होता है, सेम होता है, और यही आपका इक्वेशन होता है। बात समझ में आया भैया?